मन पसंद रचना और कथा भी ऐसी बात एक समय की वनवास के दौरान माता सीता प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी आज चित्रकूट महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचते हैं। उनकी भेंट महर्षि अत्रि जी से होती है और इधर माता सीता की भेंट सती अनुसुईया जी से होती है। तो देखिए आज माता अनुसुईया सिया जी को पति व्रता धर्म सुनाती और सिखाती है। आइए कथा श्रवण करेंगे। कहना है जी को अपने निकट बुलाती और कहती है ऋषि पत्नी मने सुखी अधिकाई आहस देह निकट बैठा। माता अनुसुईया सिया जी से कहती है कहे सीता एक नारी के लिए पति व्रता धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। पूरा जीवन अपने प्रभु अपने स्वामी राम के चरणों में अर्पण कर दो। देखिए आज माता अनुसुईया कहती है सिया जी से क्या कहती है। देखिए माता अनुसुईया क्या कहती है। हरी जीवन सारा है राम बिन हरी जीवन सारा है कहे सिया हो राम ही हरी जीवन सारा है राम ही हरी जीवन सारा है और
उन पतिव्रता का पालन करना धर्म तुम्हारा। राम के चरणों में पूरा जीवन अर्पण कर देना और दुख सुख में साथ निभाना आज माता जी कहती है। अरे बोल रही वाणी हो मातायू, अरे बोल रही वाणी क्या कहती है हो मातायू, अरे बोल रही वाणी मातायू, अरे बोल रही वाणी और पूरे अपन पति की सेवा करना ओ सीताना। एक नारी जो कुल की लाज होती है और तुम्हें
सास ससुर की भी सेवा करना है। क्या कहती है? अरे सास ससुर की सेवा करना, अरे कुल की लाज रखना हो लाडली, अरे कुल की लाज रखना, अरे सास ससुर की सेवा करना, अरे कुल की लाज रखना हो लाडली, अरे कुल की लाज रखना। और मर्यादा मेरे ना लाडली घोट भी करना, हर कुल की लाज रखना हो लाडली, कुल की लाज रखना, हर मर्यादा में रहना लाडली घूंघट भी करना, मर्यादा में रहना लाडली घूंघट भी करना, ओ मर्यादा में रहना लाडली घूंघट भी करना।